नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ कि हम टीचर्स के द्वारा बनाई गई वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे और उसके द्वारा ही आप लोग पढ़ रहे होंगे। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी आशा करती हूँ। मुझे इस वीडियोस जो भेज रहे हैं उससे बहुत फ़ायदे दिख रहे हैं। पहला फ़ायदा तो यही है कि बच्चों क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं और एक बार पढ़ा के चले जाते हैं, परंतु घर पर हम इन वीडियोस को रिवाइंड कर करके जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है वो हम दोबारा देखकर उसको समझ सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोग वीडियोस को देख रहे होंगे, घर में अपने बाकी इंजॉय भी कर रहे होंगे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपना समय सही तरह से व्यतीत कर रहे होंगे। बच्चों, हिंदी रीडर में जो है उसमें हमने 3 चैप्टर की रीडिंग करके उनको समझ लिया है और व्याकरण में हमने 1 चैप्टर भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण को पढ़ा और उसे समझा था। आज हम व्याकरण की ही बात करेंगे, उसमें हम 2nd चैप्टर वर्ण विचार के बारे में हम बात करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ये वर्ण जो है वो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है जिसको हम और खंडित नहीं कर सकते हैं, इसके और खंड नहीं कर सकते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। ये क, च, ट, त, प, ये सब वर्ण है और ये सबसे छोटी इकाई है, लिखित इकाई है, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब बात आती है ध्वनि की। ध्वनि जो है वह भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि वर्ण को लिखा और पढ़ा जा सकता है जबकि ध्वनि को बोला और सुना जा सकता है। अब बात आती है वर्णमाला की। बच्चों, जैसे एक माला में सुंदर सुंदर फूल होते हैं उसके द्वारा माला बनाई जाती है, उसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में वर्णों को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से जोड़कर रखा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की जो ये जो हमारी वर्णमाला है उस भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? स्वर और व्यंजन। हम बात करते हैं अब स्वर की। ये देखिए, वर्णों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब हम बात करेंगे स्वर की। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण
बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से उड़ता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, वर्ण निकलते हैं, जो हम उच्चारित करते हैं, बिना किसी रुकावट के सीधे सीधे बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें हमें बोलने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, उनको हम स्वर के अंतर्गत मानते हैं। उन वर्णों को कौन कौन से हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। अब हम बात करते हैं इनके डिवीजन की, इनके भेदों की। बच्चों, स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला, ये देखिए, स्वर के 3 भेद हैं। पहला है रिस्व, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले रिस्व स्वर की। जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें रिस्व स्वर कहते हैं। बच्चों, रिस्व स्वर वे होते हैं, इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, ये सीधे सीधे मुख से बाहर निकल जाते हैं। इनके उच्चारण करते समय हमें बहुत ही कम समय लगता है और ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, ऊ और री। 11 में से ये 4 रिस्व स्वर होते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। बच्चों, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व रिस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जो रिस्व स्वर थे उसमें बहुत कम समय लगता था, लेकिन दीर्घ स्वर में रिस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से ये 7 हुए। रिस्व स्वर जो हैं वो हमारे 4 हैं और दीर्घ स्वर 7 हैं। इस प्रकार से हमें स्वर 11 प्राप्त होते हैं। तीसरा जो है प्लुत स्वर, उसका उच्चारण हम ज़्यादातर संस्कृत भाषा में करते हैं और इन स्वरों के उच्चारण में रिस्व स्वर जो है उससे तिगुना समय लगता है। कौन सा? कितना समय लगता है? तिगुना स्वर समय लगता है। जैसे कि ओ, ये संस्कृत शब्द में यूज़ किया जाता है शब्द, और प्लस स्वर जो है वो हमेशा अधिक समय लेते हैं। ये तो बात हुई बच्चों हमारी स्वर की। अब आता है व्यंजन। अब हम बात करेंगे बच्चों व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। बच्चों, जब हम स्वरों की सहायता लेते हैं, 11 हमारे स्वर हैं, और जब हम स्वरों की सहायता लेते हैं तो हम व्यंजन का जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों करते समय वायु कंठ से निकलकर मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से जो लेके
ये देखिए, अ से लेके माँ तक सभी क्या हैं, व्यंजन हैं, और इन सब में पांच वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में पांच व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम उसके पहले व्यंजन के अनुसार आता है। स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी दी है इसमें, 25 दी है। वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, वर्ग है, जो कि गोल घेरे में आपको दिख रहा है, ड ना म, ये हम इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। इनको हम सब क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। अब हम बात करेंगे क वर्ग की। क ख ग घ ड, ये हमारे बिल्कुल कंठ में नीचे से, ये जो व्यंजन हैं हमारे नीचे से निकल रहे हैं, कंठ से होते हुए बाहर आ रहे हैं। आप खुद भी साउंड करेंगे इनकी आवाज़ तो आपको भी समझ में आएगा। च वर्ग, च छ ज झ न, ये जो वर्ग है च वर्ग, इसके जो व्यंजन हैं वो तालु से छूते हुए बाहर निकल रहे हैं, तो इनको हम तालव्य व्यंजन कहेंगे। ट वर्ग, ट ठ ड ढ और अन, ये हमारे मुंह से और तालु से छूते हुए निकल रहे हैं ट वर्ग वाले, इसलिए इनको हम मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे। त वर्ग, त थ द ध न, ये सभी व्यंजन जो हैं वो दांतों से छूते हुए निकल रहे हैं, इसलिए इनको हम दंत व्यंजन कहेंगे। प वर्ग, प फ ब भ म, अब आप खुद भी आप साउंड करेंगे अपने ये व्यंजन तो आपको भी समझ में आएगा कि प फ ब भ म, ये सब ओठ से निकल रहे हैं, ओठ हमारे दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तब ये वाले व्यंजन साउंड हो रहे हैं, मुँह से हमारे ये व्यंजन निकल रहे हैं। तो इस तरह से हम स्पर्श व्यंजन जो कि हमने देखे 25 हैं, और इनको हमने अलग अलग ध्वनि से उच्चारित करते हुए देखा कि क वर्ग कंठ से निकल रहा है, च वर्ग तालव्य छूते हुए निकल रहा है, ट वर्ग जो है मूर्धन्य यानी तालु और मुँह से छूते हुए निकल रहा है ये वर्ग, त वर्ग जो है वो दांतों से स्पर्श करते हुए निकल रहे हैं, और पर वर्ग जो हैं वो ओठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद हम बच्चों करेंगे अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती, ना ही वायु रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। वो व्यंजन जो कि अंदर से निकल रहे हैं, ना कि वो किसी से रगड़ रहे हैं, ना हमारे ओठों से रगड़ रहे हैं, ना दांतों से हो रहे हैं, ना तालू से निकल रहे हैं, वो सीधे सीधे अंदर से निकल रहे हैं। वो हमारे कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जो कि हमने पीछे वर्णमाला में देखे थे। एक बार और हम दोहरा लेंगे उनको। ये व्यंजन वो होते हैं य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे। इनका साउंड करेंगे जब हम, तो ये मुंह के किसी भी भाग से नहीं रगड़ेंगे, ये सीधे सीधे कंठ से निकल के हमारे बाहर आ जाएंगे। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से या घर्षण करते हुए मुंह में जब आ रहे हैं, जो हमारे व्यंजन जो हमारे शब्द आ रहे हैं वो किसी न किसी तरह मुंह में घर्षण कर रहे हैं, उनको बोलते समय गर्म ऊष्मा निकल रही है, गर्म होते हुए वो व्यंजन बाहर आ रहे हैं, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जो कि हैं श स स ह, ये हमारे चार ऊष्म व्यंजन हैं। अब खुद से साउंड करेंगे इन व्यंजनों को, स स स ह, तो ये ऊष्म व्यंजन है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने बात की वर्ण की,
फिर हमने बात की वर्ण सबसे छोटी इकाई है, इसको और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और ये इसको मूल ध्वनि भी कहते हैं। उसके बाद हमने बात की वर्णमाला की कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और इसके बाद हमने भाषा की जो ध्वनियाँ हैं उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया, स्वर और व्यंजन। अब स्वर हमने जाना, स्वर कौन किसको कहते हैं, जो बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन हमने जाना कि हम व्यंजन किन्हें कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर मुख के विभिन्न भागों से टकरा कर और बाहर आती है उनको हम व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करेंगे ये संयुक्त व्यंजन जो हमने वर्णमाला में देखे थे। संयुक्ताक्षर व्यंजन हमें किसको कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो कि हिंदी वर्णमाला के अंत में आते हैं और ये चार संयुक्त अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब हम इनको देखेंगे ये कैसे बनते हैं। जो छ है उसको हम क प्लस श इन दोनों के मिलाकर जब हम लिखेंगे तो ये छ बनेगा। और इसके एग्जांपल हैं कक्षा, छती और अक्षर। दूसरा है हमारा त्र। त्र में हम त प्लस र लेंगे और इसके एग्जांपल हम देखेंगे त्रिशूल भी है, त्रिभुज भी है और नक्षत्र भी है। तीसरा हमारा है ज्ञ। ज्ञ जो बनता है वो ज प्लस न अन इसके जुड़ने से बनता है। और इसमें हम जो लेंगे एग्जाम्पल वो है प्रज्ञा, ज्ञानी, ज्ञान आदि आदि। चौथा जो है वह है श। हम लोग खुद भी आवाज़ निकल रही है श श, तो उसमें से हमको दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, स प्लस र। तो इसके एग्जांपल हम जान लेंगे श्रमिक और श्रवण। इस तरह से ये हमारे संयुक्ताक्षर शब्द हुए। और ये हमेशा बच्चों याद रखिए कि दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, कभी भी इनमें स्वरों का उपयोग नहीं होता है। हमारे देखिए छ जो है वो क भी हमारा व्यंजन है और श भी हमारा व्यंजन है, इसके द्वारा ये दो छ शब्द बना है। अब हम बात करते हैं बच्चों आयुर्वाक। आयुर्वाक शब्द कौन से होते हैं, हिंदी वर्णमाला में प्राय स्वरों के साथ अ तथा अ को लिखा जाता है। अब हम लोग जब स्वर वर्णमाला में जब हम लोग देखते हैं स्वर देखते हैं तो अ आ ई उ री ए ऐ ओ अंग आ, ये हमने अपने बचपन से सीखा है। परंतु ये जो स्वर में जो हमने ये आयुर्वाहक जो हमने लिए हैं वो ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही ये पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, लेकिन इनको हम लोगों ने स्वरों के साथ इनको हम ऐड करके और लिखते हैं। तो ये हमारे हुए अंग अह। हम बात करेंगे तीसरे हैं आकत स्वर। आकत स्वर कौन से होते हैं बच्चों,
हिंदी के 11 स्वरों के अतिरिक्त ध्वनि को भी हिंदी में आ को भी सम्मिलित किया गया है। इसका उच्चारण हम आ या ओ के मध्य होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी, जो भी हमारे अंग्रेजी शब्द आते हैं हिंदी भाषा में, उसमें इन आगत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम ले लें बॉल ले लें, कॉलेज ले लें, डॉक्टर ले लें, चौक ले लें, ये सब कौन से व्यंजन होते हैं? आगत स्वर कहलाते हैं। इनको हम आगत स्वर की अंदर रखते हैं। ये इनका उपयोग हमेशा अंग्रेजी भाषा में आए हुए शब्दों में ही किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, उसके बाद हमने जाना वर्णमाला किसे कहते हैं, उसके बाद हमने देखा कि ध्वनि के उच्चारण की दृष्टि से हमने वर्णों को दो भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर हमने जाना 11 होते हैं, व्यंजन हमने जाना 33 होते हैं, और इसमें भी हमने देखा ये जो छत्र ज्ञा श, वैसे तो हमारे वर्ण 52 होते हैं, परंतु ये जो आयोग वाहक हैं अंग और आहा, ये भी हमारे उसमें व्यंजन में आ जाते हैं, और जो ये संयुक्त अक्षर हैं छत्र ज्ञा श, ये भी हमारे व्यंजन में आते हैं। तो इस प्रकार चार ये संयुक्त अक्षर हुए, आयोग वाहक अंग आहा ये दो हुए, और दो और शब्द ऊपर कोने में दिए डा और ढ, ये हमारे उच्छिक्त शब्द कहलाते हैं जो कि हमारे व्यंजन में ही आते हैं। ये इधर कोने में ड और ढ दिए हैं, ये उच्छिक्त शब्द कहलाते हैं, ये भी हमारे व्यंजन में आते हैं। इस प्रकार स्वर और व्यंजन की संख्या हमारी 52 हो जाती है। तो हमने इस प्रकार से पूरी वर्णमाला को हमने समझा और इसको जाना। तो वर्णों के हमने इस प्रकार देख लिए, स्वर और व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, आयोवाह कौन से होते हैं, और वो आगत स्वर कौन से होते हैं, ये हमने देख लिया। इसके बाद हमने व्यंजन जान लिए, स्वरों के भेद देख लिए कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ऋस्व दीर्घ स्वर प्लुत स्वर, ये ऋस्व जो होते हैं वो 4 होते हैं, दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं, प्लुत स्वरों का उनको हम लोग उसमें अंग्रेजी शब्दों में ज़्यादा प्रयोग होता है, प्लुत स्वर का संस्कृत शब्दों में ज़्यादा प्रयोग होता है प्लुत शब्दों का। इसके बाद हमने देखा कि व्यंजन इनके स्वरों में इनके उच्चारण करते व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता ली जाती है। इसके 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 आते हैं, ये हमने देखे। इसमें का वर्ग कंठस्थ में आता है, च वर्ग तालव में आता है, ट वर्ग मूर्धन में आता है, त वर्ग दंतत में, ये सब पावर्ग उस जाता है, ये सब कण से लेके ओट तक ये किसी ना किसी मुख में किसी ना किसी चीज़ से टकरा के निकलते हैं। तो इस तरह से ये हमारे स्पर्श व्यंजन हुए। इसके बाद हमने देखा अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जो कि अंदर से हमारे बाहर साउंड करते हैं, बिल्कुल अंदर से निकलते हैं, जो वो व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन होते हैं या रा ला वा, ये बिल्कुल अंदर से निकलते हैं, किसी से भी स्पर्श नहीं करते, मुख से और सीधे सीधे मुख से बाहर निकल जाते हैं। तीसरे हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जो कि वायु के साथ बहुत तेज गति से निकलते हैं और किसी न किसी चीज़ से आकर्षण करते हुए निकलते हैं। इनमें बोलते समय ऊष्मा निकलती है, जैसे कि स श स ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये अभी तक हमने वर्णमाला में पूरी वर्णमाला हमने देखी और इसको जाना। इस प्रकार हम बच्चों देख सकते हैं कि हमने वर्णमाला में वर्ण विचार में हमने अभी तक क्या देखा। वर्ण भाषा की
छोटी इकाई होती है, जिसके और खंड नहीं कह सकता है, इसको और खंडित नहीं किया जा सकता है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उनको हम वर्ण कहते हैं। फिर हमने देखा कि वर्णमाला वर्णों के निश्चित क्रम को कहते हैं। तीसरा है वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हस्व, दीर्घ तथा प्लुत। और व्यंजन भी हमने देखा, व्यंजन भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। जो स्वर और व्यंजन ये हो गए। अच्छा, जब स्वरों को व्यंजन के साथ लिखा जाता है तो मात्रा का प्रयोग होता है। हमारी मात्रा कितनी होती है? 10 है। आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ सबसे छोटा होता है, इसकी कोई मात्रा होती है। इस तरह से हमारी मात्राएं 10 होती हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अंग हमने बता ही दिया आपको कि प्रत्येक वर्ग जो व्यंजन में होता है, पांचवा जो अक्षर होता है वो पंचमा अक्षर कहलाता है। इसको हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। इसके बाद है स्वरों का उच्चारण मुख की नासिका से भी किया जाता है। उन स्वर को हम अनुनासिक सकते हैं। जो व्यंजन हम स्वर हमारे नाक और मुख से निकलते हैं वो हमारे अनुनासिक यानी नाक के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं वो अनुनासिक होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्ण विचार बेसिक है हिंदी का, ये समझ में आया होगा। और आप इसको बार बार रिमाइंड करके देखिए कि हमारे कितने वर्ण हैं, कितने इनके डिवीज़न हैं वर्ण के, कितने हमारे स्वर हैं, कितने हमारे व्यंजन हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। आप लोग इसको बार बार रिमाइंड करके देखिए और इस बेसिक चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। ये हमारी हिंदी का बेस है। थैंक यू।